Morning students, so today we will start a new chapter, probability. Okay, chapter है 19, page number है 690. Some definitions हैं, उसमें बहुत problems होती हैं, तो उसे ध्यान से सुनिए. Okay, क्योंकि अगर आप ये basics सीखेंगे तो आप probability का meaning ढंग से समझेंगे. Okay, तो एंड बुक है आपकी आर.एस. अग्रवाल. ठीक, तो फर्स्ट है प्रॉबर्टी में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, वो है. ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, यस और नो, तो आपको पता है कि मैं अगर इसमें कोई भी केमिकल्स डालूंगा, ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा. इट मींस एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, मींस पहले से अच्छा समझा हुआ होता है कि मैं ये करने जा रहा हूं तो मेरा ये रिजल्ट निकलेगा. दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट. ठीक, ये नहीं कि सब कुछ डालते गए और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या होगा. सपोज वो ब्लास्ट हो गया तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वो रैंडमली आप डालते जा रहे हैं, तो रैंडमली कोई भी चीज़ डालोगे, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, तो पहली बात आते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट. इट मींस श्योर हो कि हमें कुछ काम किया और ये वैल्यू आ गई. सपोज एक क्वाइन है, मैंने उस क्वाइन पर एक तरफ हेड लिखा है, दूसरी तरफ भी हेड बना दिया, तो अगर आप इसको टॉस करेंगे तो क्या होगा. आपको पता है चाहे वैसे टर्न करे या वैसे टर्न करे, हेड ही आएगा. दिस इज द श्योर हेड ही आना है एक्सपेरिमेंट, हमें पता है कि वो होना है. ओके, अगर हेड और टेल है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी. क्लियर, तो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग आया एन ऑब्जर्वेशन. कोई भी ऑब्जर्वेशन हम करें, कोई भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, विच कैन बी प्रोड्यूस, उससे हमने ऑब्जर्व किया, हमें पता लगा कि हमने ये केमिकल डाला और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बन के आ गया. विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स, कुछ अच्छा सा आउटकम्स निकल के आया, दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट. क्लियर, एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हम आउटकम्स निकल के आता है, ईच आउटकम्स, उसी आउटकम्स को बोला जाता है इवेंट. ठीक, उसी आउटकम्स को बोला जाता है क्या, इवेंट. क्लियर, अब दूसरी बात आई रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है कि सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, देन आप श्योर नहीं है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा, यस और नो, इट मींस कुछ भी आएगा, तो दिस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. इट मींस हम कुछ कर तो रहे हैं, रैंडमली करते जा रहे हैं रैंडमली, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे आउटकम्स क्या आएगा. ओके, वेल डिफाइंड इसमें नहीं है. ओके, पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया गया, पहले से नहीं सोचा गया कि क्या आएगा. ओके, नाउ सी, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट की एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट बता दिया हमने जो वेल डिफाइंड होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉस किया एक क्वाइन को, तो उसमें आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है पॉसिबल आउटकम्स और टेल भी आ सकता है, तो टू पॉसिबल आउटकम्स हो गए. इट मीन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्वाइन उसको टॉस करने का, आउटकम्स आ रहे हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो भी आए आर नोन, वो पता होने चाहिए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं. तो कॉइन को टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम्स तो पता होंगे आपको, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा. ठीक, इट मींस कोई भी एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करें हम, ओके, उस एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए क्या होने चाहिए, वो नोन होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए. एंड और साथ साथ में द एग्जैक्ट आउटकम्स, और जो एग्जैक्ट आउटकम्स आएगा कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. मैंने बताया कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, डाइस ने दिया, डाइस को थ्रो करेंगे, यू डोंट नो, आप लूडो खेलते हैं, ओके, सब जीत जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पर दोनों पार्टनर्स को, आपको आपके पार्टनर्स को अभी वन पॉइंट चाहिए होता है, आप फेंकते रहते हैं, वन आता ही नहीं है, घंटे भर तक वन नहीं आता है, ऐसा नो, तो वो क्या हुआ, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो रैंडमली आप थ्रो करते आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, आपको पता है कि 1, 2, 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें प्रिडिक्ट नहीं है.
क्लियर, यस और नो? तो नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें विच वी नो इट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या आएंगे एंड विच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, और उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ये आएगा भी या नहीं आएगा इन एडवांस, पहले से नहीं सोच सकते, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग? अब एक बात आती है कि कुछ ट्रायल होता है, ओके? तो ट्रायल मींस किसी का ट्रायल चल रहा है, ठीक है? सो रेस हो रही है, कहते हैं कि नाम है, चलो कि ये विन होगा कि नहीं होगा, कोई चांस है, ओके, पॉसिबिलिटीज है कि टुडे इज रेनिंग और नॉट, पॉसिबिलिटीज है, चांस है विन होने का, जो चांस पॉसिबिलिटी, तो ये सब क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है कि ये निश्चित नहीं है कि जो बारिश है वो होगी या नहीं होगी, जो रेस हो रही है इसमें वो बंदा जो है वो विन करेगा नहीं करेगा, ओके? तो ये सब क्या जितनी भी अनसर्टेनिटी आती है उस पर डिपेंड होती है क्या प्रोबेबिलिटी, ओके? नाउ अब तो ट्रायल है, तो बाय अ ट्रायल मीनिंग परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ट्रायल भी तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने ट्रायल किया, आपने सिक्स मारने का ट्रायल किया, वो सिक्स जाएगा या नहीं जाएगा आप बता सकते हैं? तो रैंडम नहीं, कभी तो जाएगा, तो रैंडम ट्रायल इज आल्सो नोन एज, परफॉर्म करता है ट्रायल क्या, एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है उसमें इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आती है, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना पड़ता है कि सपोज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वन मार्क्स किए, किसी ने टू किया, किसी ने थ्री किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हु गॉट द टू मार्क्स इन अ क्लास, तो उसके लिए हमें देखने पड़ते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कि टू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इनको टू मिला है, तो हमने सपोज 520 की क्लास है, सपोज 5 आ गए, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए क्या, क्योंकि इम्पेरिकल डिपेंड करता है किस पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट से भी आता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, हमें पता है कि 5 के 2 आए हैं, तो एफ ओ हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स 5, बट वो 5 लिया गया किस में से लिया गया, 20 में से लिया गया ना, यस और नो? तो फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 5/20 किया तो 1/4 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ओके, विद हु डिजर्व द मार्क्स टू एग्जैक्टली, इनके टू मार्क्स आए तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ऐसी एटलीस्ट एटमोस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। तो नाउ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हुई, लेट एन बी अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स बताया गया, एंड द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, जो भी हैपनिंग हुई, मैंने कहा मार्क्स का लिया, ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या था, मार्क्स था, यहाँ पर इज डिफाइंड एज, उसको ऐसे डिफाइन किया गया, पी ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी ई बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं जिसने टू मार्क्स किए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके? ये फॉर्मूला यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट ये किसके लिए है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है? नोट ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट के होने की, पी मीन्स पी इवेंट हो रहा है, पी ई के ऊपर बार लगा हुआ है, एक साइन है बार का, ये मिस्टेक नहीं किया है, ये पी के ऊपर कैसे लगा हुआ है साइन, ये बार का पी बार, इट मीन्स उस इवेंट के नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, बस में आ गई, किसी भी इवेंट के होने की और उस इवेंट के नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ये लिखा हुआ है, वेयर पी बार इक्वल टू पी नॉट ई, मीन्स इवेंट नहीं हो रहा है। तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ट्रायल का, एम्पेरिकल का, और प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बताया आपको, कोई भी चांस हो जिसमें अनसर्टेनिटी हो, मीन निश्चित नहीं हो, वो हम प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके क्वेश्चंस कराएंगे, प्रोबेबिलिटी ध्यान से पढ़िए, फोकस रहिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।